चीज वैसी नहीं दिखती जैसी होती है। एक बार एक साधु और एक शिष्य चलते चलते एक अजनबी गांव में पहुंच गए। रात का समय था। उन्हें कहां रात गुजारने के लिए स्थान की जरूरत पड़ी। एक घर देखकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उस घर में धनी व्यक्ति रहता था। जब उनको बताया कि हम यहां रात को ठहर सकते हैं, धनी व्यक्ति वृत्ति से संकीर्ण था। उसने कहा, हमारे घर में तो जगह नहीं है, पर हमारे तलघर में एक स्टोर रूम है, वहां पर आप सो सकते हो, पर सुबह उठ के ही आप चले जाना। कहा, ठीक है। जब वो स्टोर रूम में सोने गए तो साधु ने देखा कि उस स्टोर रूम में एक जगह दरार पड़ी हुई थी। तो साधु ने क्या किया, कुछ चीजें वहां पर थी, उससे उस दरार को बंद कर दिया। दूसरे दिन उठकर चले गए। दूसरे दिन भी उन्हें ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए, सोने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो वो फिर किसी किसान के घर के पास पहुंचे। जब किसान को पूछा तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने बहुत प्यार से उनका स्वागत किया। जो भी उनके पास भोजन था वो भोजन खिलाया और उनको सोने के लिए अपना स्थान दे दिया और स्वयं जमीन पर सो गए। जब प्रातः उठे तो देखा किसान और उसकी पत्नी रो रही थी। कारण जब सुना तो मालूम पड़ा कि उनके खेत के अंदर जो बैल था वो मर गया, इसलिए वो रो रहे थे। तो शिष्य ने गुरु को कहा कि आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, आप उनको मदद कर सकते थे ना। साधु ने कहा, हर चीज ऐसी नहीं होती जैसे दिखती है। तो शिष्य ने कहा कि देखो, वो धनी व्यक्ति ने हमें स्टोर रूम में सुलाया, उनके स्टोर रूम में दरार पड़ी थी वो भी आपने भर दी, और यहां इन्होंने इतना अच्छा स्थान दिया फिर भी आप उनकी मदद नहीं की, ऐसा क्यों? साधु ने फिर से एक बार रिपीट किया कि चीज ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है। देखो, जब भी मैं वहां स्टोर रूम में सोया तो मैंने देखा कि उस दरार के अंदर बहुत सारा सोना चांदी पड़ा था, और वो धनी व्यक्ति बहुत ही लोभी था, लालची था, तो मैंने उसको दरार को बंद कर दिया। और जब यहां मैं सोया तो मुझे पता चला कि किसान की पत्नी का आज मौत होने वाला है। तो जब यमदूत लेने के लिए आए तो मैंने उनको रोक दिया। अभी वो खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसलिए मैंने उनको उनका बैल ले जाने के लिए उनको बताया। अब तुम ही बताओ, मैंने सही किया या गलत किया? तब शिष्य ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि कैसे आपने आवश्यकता पूर्ण रीति से पहचान करके और फिर मदद की, और आपके सिद्धि को आपने प्रत्यक्ष करके दिखाया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि जीवन के अंदर हर चीज वैसी नहीं होती है जैसी दिखती है, हमें उसको परखना पड़ता है। परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। स्थिति, परिस्थिति, समय, सब कुछ देखना पड़ता है और फिर उसको निर्णय देना होता है। अब ये जो शक्तियां हैं, ये सभी शक्तियां, विशेष परख शक्ति भी इस राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। हम परमपिता परमात्मा
शिव पिता को याद करके अपनी आत्मा के अंदर इन शक्तियों को धारण कर सकते हैं। ओम शांति।